पहली चीज जो सब सोचते हैं कि कंबल, दूसरा हो गया आपकी जैकेट्स या कपड़े, बाइक यहाँ होती है ठंड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आइलैंड में जब आ रहे हैं तो क्या क्या पैक करें, क्या क्या सामान लेकर आए यहाँ पर। फर्स्ट टाइम जब आप अपने मास्टर्स करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो क्या क्या सामान सब कुछ लेकर आए। तो मैं जब आया था तो भाई मेरे को, मैं बहुत यूजलेस सामान लेकर आया था, पता उसका कुछ काम भी नहीं था, ये सब भी नहीं था, फालतू में लेकर आया था क्योंकि पता नहीं था। और यहाँ पर आके मेरे को लगा भाई ये क्यों लेकर आ गया, यहाँ पे तो मिलता ही है और उसी रेंज में मिलता है, तो मैंने तो क्यों लेकर आया, फालतू में बैग भारी करा, कुछ और लिया था। तो ये कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि पता नहीं होता कि जैकेट्स कौन सी लें, यहाँ से लें या फिर अपने इंडिया से लें, यहाँ की ठंड कैसी है, कपड़े कैसे हैं, ये सब चीज़ें के बारे में पता नहीं होता। तो हम ले आते हैं फालतू में या फिर जो भी होता है, तो मैं बताता हूँ क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना, ठीक है। तो ये वीडियो देख लेना अगर देखनी हो तो। और अभी मैं जब सोकर उठा हूँ तो मैं ऐसे ही हो रहा था, मैंने कहा भाई नहाने से पहले वीडियो बना लूँ नहीं तो लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि डेजर्टेशन खत्म करनी थी मेरे को, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी आज। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो सब सोचते हैं कि कंबल या फिर कुछ ओढ़ने के लिए लाए, तो भाई यहाँ मिलता है डुए, ठीक है, और वो सही रेंज में मिलता है, 15 से 20 यूरो के बीच में, 1000 से 1500 रुपये का होता है, बढ़िया A1 क्वालिटी होता है, कुछ कुछ के साथ पिलो भी होता है। तो आप पिलो भी लाना, पिलो भी मतलब बस आप उसका कवर लिया हो, एक सिर्फ पिलो कवर लिया हो लाना हो तो, और या फिर एक दो दो बेडशीट्स लिया हो अगर लानी हो तो, नहीं तो यहाँ पे मिलता है और उसी रेंज में मिलता है, तो फिर लाने का कुछ फ़ायदा नहीं है फालतू में, क्यों अपना बैग को भारी करो। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा हो गया आपकी जैकेट्स या कपड़े, बाइक यहाँ होती है ठंड, मेरे को स्टार्टिंग में लगती थी, बाद में 2 महीने के बाद मेरे को ठंड नहीं लगी, अब देखो मैं ऐसे ही घूमता हूँ, बाहर तो नहीं घूमता ऐसे, बारीक जैकेट चाहिए होती है। तो आप जैकेट्स इंडिया से ला सकते हो, यहाँ की ठंड और इंडिया की ठंड कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम वो है, मैं भी वहाँ से लेकर आता और अभी तो चल रही है, बढ़िया चल रही है, मैंने बस यहाँ से एक लिया है क्योंकि अच्छी लग रही थी मेरे को, ज़रूरत नहीं थी बस ऐसी ले ली। एक तो वो, और जैकेट्स आप अपने इंडिया से लेकर आनी है लेकर आ जाओ, कोई वो नहीं है, अगर इंडिया से लेनी है इंडिया से लो, यहाँ से लेनी है यहाँ से लो, यहाँ की रेंज में बता देता हूँ 50 यूरो से लेकर 120 यूरो तक के बीच में मिल जाती है आपको जैकेट्स। स्वेट शर्ट लिया वहाँ से, बढ़िया यहाँ पे बढ़िया कपड़े मिलते हैं, आप लेकर आओ इंडिया से, 3 जैकेट या 2 जैकेट जितने भी आपका लगेज के हिसाब से वो ले आओ, और जैकेट ले आओ, स्वेट शर्ट ले आओ, जीन्स ले आओ, कपड़े ले आओ, बढ़िया कपड़े यहाँ पे भी सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सेम ही मिलता है। तो ये ले आओ, कुकर लिया हो, एक कुकर लाना भाई, कुकर नहीं मिलता, कुकर मिलता है यहाँ पे बैठे बहुत महंगा मिलता है, तो वो कुकर देख लेना, बस एक कुकर लिया ना, बाकी सारे पैन वैन ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं ऑलरेडी, और कुछ कुछ घर में तो वैसे ही ऑलरेडी प्लेट्स नाइव्स और ये सब चीज़ें यूटेंसिल जो होते हैं वो सब मिलते हैं इंक्लूडेड रेंट के साथ। तो कुकर लिया ना और एक पैन लिया ना, बस काफ़ी है, और क्या लाना है, और क्या पैक करोगे, 2 जूते रख लेना, एक पार्ट टाइम के लिए, एक घूमने के लिए और एक और घूमने के लिए, 3 पेयर रख लेना, एक लाना और क्या लाना है। ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बनाता वीडियो, जो मेरे को मैं याद कर लेता हूँ, मतलब जो होता है मैं आपको बताता हूँ रियल एक्सपीरियंस रॉ, तो मतलब मैं याद करता हूँ और फिर वापस आपको बता देता हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी, ठीक है। तो भाई टिप्स लेकर आना, आने का सामान जो स्नैक्स होता है ना यहाँ, भाई एकदम बकवास चिप्स है भाई, एक पसंद नहीं आया मेरे को यहाँ पर, डोरिटोस के अलावा कुछ अच्छे नहीं लगे यहाँ पे चिप्स, तो भाई अपने चिप्स लेकर आना, कुरकुरे लेकर आओ भाई, ये लेकर आओ ग्रीन चटनी बै बिल्कुल जो पसंद है तुम्हें, चिप्स वगैरह लेकर आना, स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह अगर लाना पसंद हो खाना तो, क्योंकि यहाँ के चिप्स वगैरह में कोई टेस्ट नहीं है, फीके होते हैं एकदम फीके। तो ये लिया ना, और क्या लाना था, चिप्स वगैरह हो गया, खाने पीने के सामान में से स्नैक्स भर लेना, बाकी तो यहाँ मिलता है बढ़िया और सही रेंज में मिलता है, कोई महंगाई नहीं है यहाँ पर इतनी, चॉकलेट वगैरह तो बहुत मिलती है यहाँ पर, तो आप बस चिप्स लेकर आना, चिप्स बहुत क्रेविंग होगी रात को आपको, मैगी भी मिल जाती है यहाँ पर इंडियन स्टोर में, और क्या लाना है, और तो बस यही है, और बस पेन लिया ना, 2 पेन, 5 रफ कॉपीज, यहाँ कॉपीज भाई महंगी मिलती है साली फालतू में, 1 पैसे वेस्ट करे कॉपीज पर, वो भी रफ कॉपी पर, इंडिया से ले आओ 5 रजिस्टर ले आओ इनफ है, नहीं तो कॉलेज से मिलती है वो छोटी छोटी सी होती हैं, ऐसी पतली पतली सी, मज़े नहीं आते नोट्स बनाने में, तो इंडिया से 5 कॉपीज ले आओ, रफ कॉपी वो जो मिलता है ना रजिस्टर मोटा वाला वो लिया ना, और तो बस यही है, और कुछ हो लेना,
ये तो माइक के जा रहा है बस ठीक है चलो बाकी कुछ हो डीएम कर लेना कमेंट कर देना।